और ये हैं लाइट फ्लाई वेट के मुक्केबाज गोपी रेड कॉर्नर के, और उनके पीछे हैं कृष्णा ठाकुर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, अपने प्रशिक्षक भूषण सैनी के साथ कृष्णा ठाकुर रेड कॉर्नर के मुक्केबाज गोपी रिंग में प्रवेश करते हुए। और प्रीतम टोकस एक अनुभवी रेफरी निर्णायक, ये है मिस्टर कृष्णा ठाकरान, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं कृष्णा ठाकरान, स्कूल नेशनल के सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं, रजत पदक विजेता रहे हैं और एक बार कांस्य पदक विजेता रहे हैं। यह है गोपी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के मुक्केबाज रेड कॉर्नर में, और कृष्णा ठाकरान ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज PTDUS यूनिवर्सिटी के, और रेफरी प्रीतम, और ये देखिएगा रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है वेशभूषा का निरीक्षण करना। प्रीतम दिल्ली के रेफरी प्रीतम टोकस नियमों से पुनः अवगत कराने के बाद पहले चक्र की शुरुआत हो चुकी है। पहला चक्र पुरुषों का ये आज का तीसरा मुकाबला है, इससे पहले मिडिल वेट और सुपर हैवी वेट के मुकाबले हो चुके हैं, और यह है तीसरा मुकाबला लाइट मिनिमम वेट कैटेगरी 48 किलो 40 से 48 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला। इसी भार वर्ग में हमारे बहुत अच्छे मुक्केबाज डिंगू सिंह या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाज मोहम्मद अली कंवर, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को छोटे भार वर्ग के मुक्केबाज से, और मैं स्वयं भी इसी भार वर्ग में खेला करता था। लिटरली इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट संजीव यू यूज्ड टू प्ले इन दिस कैटेगरी, अ कैटेगरी ऑफ 46 टू 48. Sanjeev used to be the gold medalist in his playing days, but as of now, let's get back to the game. It's Krishan taking on Gopi. Gopi in red and Krishan in blue goes for a couple of jabs right on the face. Couple of jabs right on the face this time by Gopi. Reverse wants to go for a hook, and these are, you know, the speed of this game is unmatchable. As we know that these competitors are lightweight, so they use their skill, they use their speed, they don't use their power that much, isn't it Sanjeev? Aur bilkul yahan par thoda sa parivartit hai, Gopi jo hai wo red corner ke hai, और ये देखिएगा लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करते हुए वन टू वन की गेम खेलते हुए। छोटा भार वर्ग है, स्पीड वर्ग ज्यादा देखने को मिलेगा, स्लाइडिंग ग्लाइडिंग दाएं और बाएं जाते हुए दोनों ही मुक्केबाज, मगर ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज कृष्णा ठाकरान रिंग रोप्स में पहुंच गए थे। गोपी ने एडवांटेज लेने की कोशिश की, गोपी जो कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के रजत पदक विजेता रहे हैं और स्कूल नेशनल के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं, यूथ नेशनल चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता रहे हैं गोपी रेड कॉर्नर के मुक्केबाज। और वहीं अगर कृष्णा ठाकरान की बात करें, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के कांस्य पदक विजेता है, स्कूल नेशनल के कांस्य पदक विजेता है और स्टेट चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता है। अनुभव की बात करें तो रेड कॉर्नर के मुक्केबाज के पास काफी अच्छा अनुभव, यहां पर पीठ दिखाई, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया आप ड्यूरिंग द बाउट घूम नहीं सकते हैं, घूमना नियमों का उल्लंघन माना जाता है। एक संघर्षपूर्ण मुकाबला, गोपी फर्स्ट अटैक करने की कोशिश में, रिंग के कॉर्नर में ले जाना चाहते हैं, कॉर्नर पर न्यूट्रल कॉर्नर की तरफ उनको ले जाना चाहते हैं, रस्सों पर झूलने पर मजबूर किया, और यहीं पर पहले चक्र की समाप्ति हुई। पहले चक्र की समाप्ति के साथ ही बढ़त बनाने में कामयाब है अभी तक। यह है ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज के प्रशिक्षक भूषण सैनी, जो कि भारतीय टीम के साथ भी प्रशिक्षक है, यूथ टीम के साथ, ये यूथ मैन टीम के साथ है, और ये हैं रेड कॉर्नर के प्रशिक्षक
उनको बताते समझाते हुए रेड मिस्टर गोपी ये रिप्ले में देखिएगा किस तरीके से बहुत ही सुंदर तरीके से गोपी ने लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार किए, दाएं और बाएं हुक का प्रयोग किया गया बहुत सुंदर, और उसके बाद राइट क्रॉस के बाद स्ट्रेट पॉइंट, और ये बहुत ही पैनी निगाहों से देखते हुए यहाँ पर संघर्षपूर्ण मुकाबला दोनों ही तरफ से मुक्कों का जो आदान प्रदान है वो बहुत ही सुंदर प्रहार। ये देखिएगा भूषण सैनी बताते समझाते हुए, भूषण सैनी स्वयं बहुत अच्छे मुक्केबाज रहे हैं, सेफ गेम के फ्लैग बैरर रहे थे भारतीय टीम के भूषण सैनी, रेलवे स्पोर्ट प्रमोशन बोर्ड में कार्यरत हैं, बेस्ट बॉक्सर भी रहे थे, हरियाणा राज्य से संबंध करते हैं और टिकट चेकिंग स्टाफ में कार्यरत हैं भूषण सैनी। और ये मुकाबला शुरू, दूसरा चक्र प्रारंभ, बहुत सुंदर प्रहार गोपी का लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से कॉम्बिनेशन पंच का प्रयोग, 1-2-1 की गेम खेलते हुए लगातार कोई मौका नहीं दे रहे हैं गोपी अपने प्रतिद्वंदी कृष्णा ठाकर को कि वह कोई समझ सके। तो जैसे कहते हैं ना कि कफन सा बांध के आए आज, तो ये कि ये मुकाबला फाइनल का है और मुझे ये मुकाबला जीतना है। गोइंग अप विद अनदर पंचेस एंड दिस टाइम अ कपल ऑफ क्विक पंचेस बाय गोपी ऑन द ओपन एंड एंड कृष्णन विद दैट गार्ड ऑन जस्ट वांट्स टू सेव हिमसेल्फ विद दोस पावरफुल हुक दैट हुक एंड देन क्लिंच हैपनिंग। But you cannot go for the wild punches until and unless you make that connection right, it won't be considered as a hook. और यहाँ पर लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार करने का प्रयास है, स्ट्रेट जैब का प्रयोग करना चाहा, हुक का प्रयोग करना चाहा, नजदीक जाकर कॉर्नर में फंसा कर प्रयास कर रहे हैं हुक मारने का। हुक और अपरकट की गेम यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी क्योंकि दोनों ही छोटे भार वर्ग के मुक्केबाज हैं। रेफरी द्वारा निर्देश सर को उठाकर खेले, गोपी को बताया गया सर उठाकर खेले, और वहीं ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज को बताया गया कि वह सर दबाए नहीं, अपने प्रतिद्वंदी को फोर्सली दबा नहीं सकते, लगातार प्रयासरत है। यहाँ पर मुक्केबाज शैल गार्ड से अपने आप को बचा रहे हैं गोपी, एक अच्छी टेक्निक है गोपी की लगातार आयुष। गोपी नजदीक जाते हैं, सोची समझी रणनीति के साथ खेल रहे हैं, जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आता है काउंटर अटैक की गेम खेल रहे हैं, कोई मौका नहीं दे रहे हैं कि वह कोई छटपटाहट रखे। यहां देखिएगा ब्लूकॉर्नर के मुकाबला डक करने की कोशिश करके साइड स्टेप लेके बाहर जाना चाह रहे हैं, मगर गोपी की रणनीति बहुत अच्छी है, यू शेप में वी शेप में उन पर प्रहार करके उनको बाहर नहीं निकलने दे रहे आयुष। Yes, and he's also using the ring decently. He knows where he is standing. He knows where the opponent is, and utilizing the whole surface area that is being provided. Just again attempting that hook, misses it. Wants to get couple of points. Gopi dominating as of now. This is round number two, and this was the uppercut which Gopi attempted. Whether it's right, whether it's not, you'll come to know right after the end of all the three rounds, where the judges will be giving up their decisions. And this will sum up round number two. We are waiting for that bell. Final few seconds remaining, and yes, it's done. Round number two. What a match that is! What a bout it is! What a round it was, Sanjeev. Both the boxers were pretty quick, and you in the commentary box were very quick out as well. ये देखिएगा कोच आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए, बहुत अहम भूमिका होती है कोच की जब रेस्ट पीरियड में वो समझाते हैं। ये देखिएगा किस तरीके से स्ट्रेट जैब का प्रयोग करना चाहा, लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार किया कृष्णा ठाकरान ने, हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं कृष्णा ठाकरान, राजस्थान राज्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं ब्लू कॉर्नर के कृष्णा ठाकरान। और यहां पर अगला चक्र
तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ हो चुका है। आयुष एक तरफा सा करने की कोशिश है रेड कॉर्नर के मुक्केबाज की, अगर तारीफ करूंगा यहां पे ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज की भी, लगातार गोपी को प्रयास नहीं करने दे रहे, शेल गार्ड रख के अपना जो है वो सुरक्षा कवच उन्होंने पूरा मजबूती से बना रखा है। गोपी उस सुरक्षा कवच को भेदना चाहते हैं क्योंकि टारगेट एरिया पे प्रहार करने के लिए उनको उनका शेल गार्ड हटाना होगा। फेंट अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं अंदर आए, अंदर आकर प्रहार करें, मगर रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया पकड़ कर आप प्रहार नहीं कर सकते। आयुष बट ऑन द अदर हैंड ही नोज दैट इफ द गार्ड गोज ऑफ ही विल गेट पॉइंट फॉर दैट एंड दैट्स व्हाट ही इज डूइंग, गोइंग फॉर द अपरकट कनेक्टिंग इट डिसेंटली, दैट वाज गोपी फॉर यू होल्डिंग अप फॉर द फाइट। कृष्णन वांट टू गेट अ कमबैक विद दैट, कृष्णन इज इन ब्लू एंड गोपी इज इन रेड, want to go for that cross punches, won't be counted, no points will be provided for that, it's a clinch. And when Gopi was moving back, Krishan went away for the straight jab right on the face of Gopi. Couple of side hooks being attempted, one from the left, one from the right, and this clinch will well, this is what they are doing at the moment, just holding up the momentum of the game. Once both, when both the boxers, they clinch up with each other, there is no space to go for the punches, and that's what the referee is doing. He's asking both of them to stay separated with some distance and then move ahead with the rounds, going up for a couple of wild punches. Both the boxers just want to gain as much as points as they can, and now going up for the hook. The previous one was the left and then followed by the right one. A decent clinch. When he was going back was Gopi. He just received a straight jab right on the face and then he went towards the referee. Just saying, come on dude, just stay on your own position. Oh, what a speed it is. Heavy raining of punches from both ends. Not just Gopi this time, this was Krishan, who just went down and then went for a couple of hooks. He attempted them, just attempting it from downwards to upward direction and then going away for the clinch. Final 13 seconds of round number 3 remaining. Right after this, we'll come to know who is the winner, who gets the gold medal. They both are playing their level best. They are trying whatever they can. And the wild attempts of hooks, they are attempting them, not converting it regularly, and then going up for another punch right on the face. ये देखिएगा किस तरीके से प्रहार किए, यहाँ पर ब्लू कॉर्नर ने कमबैक किया बहुत सुंदर तरीके से, स्ट्रेट पंची का प्रयोग था, मगर यहाँ पर श्रृंखलाबद्ध तरीके से दोनों ही मुक्केबाज के द्वारा हुक की गेम खेली गई, लगातार बॉडी पर प्रहार था ब्लू कॉर्नर का, बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर साफ दिखता हुआ, और रेफरी द्वारा इनकी बैंडेज चेक की गई, स्टैंप है कि नहीं बैंडेज पे, रेफरी और मिनिमम वेट के लिए 48 किलो भार वर्ग का ये स्वर्ण पदक के लिए मुकाबला था। रेड कॉर्नर गोपी इस मुकाबले को जीता, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से पहले ही चक्र से डोमिनेट कर रखा था, एक तरफा था मुकाबला लग रहा था, मगर 3-2 से ये डिसीजन रहा है, 3-2 का डिसीजन रहा है, 48 वेट कैटेगरी का ये मुकाबला 3-2 से स्प्लिट डिसीजन। ये देखिएगा किस तरीके से सिक्किम ने 29-28, RSPB में 27-30, केरला में 27-30, 30-27, गोवा ने 29-28 और असम ने 28-29। They got a lot of spectators. In fact, all the boxers are staying here to watch all the bouts, and they are also supporting their universities, not just